गल सुन मेरी, एक मुंडा आया कनेडा तो। मेरे नाल गल करा दो उस मुंडे दी। तू कनेडा जाना है? जाना है कनेडे। कनेडा का मुल्क सारे वर्ल्ड च नहीं है। पति परमेश्वर मनिया है, हुन ता जो मर्जी हो जाए मैं तो तुहाडे नाल ही रहूंगी। खास करके वैंकूवर शहर स्वर्ग धरती ते। ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖੌਰੇ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ। टाइम्स पंजाब के शो गोल्डन टॉक्स में शिप्रा में सारे लुधियानवीज का वार्म वेलकम। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे आप एक पोस्टर देख रहे हैं जो एक मूवी रिलीज होने जा रही है 31 मई को, मी एंड मिस्टर कैनेडियन। तो इस पोस्टर में आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ग्रुप विजिबल है जो कैनेडा जाने के लिए बिल्कुल रेडी है, उनका लगेज पैक हो चुका है। तो देखते हैं इस मूवी के जरिए हमें पता चलेगा कि ये सारे लोग कैनेडा तक पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते। तो चलिए आपको मिलवाते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट से, मिस आरुषि जैन। हेलो मैम, हाउ आर यू? फाइन, आप बताइए। बिल्कुल ठीक मैम, आई एम ऑल्सो फाइन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी, और हम चाहते हैं प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम आरुषि जैन है और मैं बेसिकली रायकोट से बिलोंग करती हूँ, और मेरी अभी स्टडी रनिंग है। okay. तो कैसे बैलेंस करते हैं मैम आप? मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा। दैट्स वेरी गुड मैम। इससे पहले आप पंजाबी इंडस्ट्री में किस मूवीज़ में आ चुके हैं? इससे पहले मैं मूवीज़ सॉन्ग्स में एज ए लीड और मूवीज़ में स्पोर्टिंग करेक्टर्स और या सेकंड लीड करती थी। तो जैसे अभी ब्लैकिया मूवी रिलीज हुई है उसमें मेरा स्पोर्टिंग करेक्टर है, और एक सॉन्ग बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है 80 डिग्री दिलो दर्शन लखेवाल का, तेरी 5 फुट हाइट तो जीन पाई टाइट, वैसे सॉन्ग्स वगैरह। तो एज अ लीड ये मेरी फर्स्ट मूवी है, और इसके बाद भी एक आ रही है माया, वो साउथ इंडियन मूवी है। एज लीडिंग एक्ट्रेस ये आपकी फर्स्ट मूवी है, तो कितने नर्वस थे जब इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हुई थी? नहीं, मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी। हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर? बिल्कुल नर्वस नहीं थी? नहीं, मैं बिल्कुल, क्योंकि ये टीम में जो एक एडी है हैरी खन्ना दीदी, वो मुझे रात को ही प्रिपेयर कर देते थे कि कल को तेरा ये सीन है, इसमें ये होगा, प्रिपेयर करो इसे, और मुझे तब तक नहीं सोने को मिलता था जब तक मैं डायलॉग का पूरा वो नहीं कर लेती थी। तो अभी जैसे हमने सर से बात की जो इस मूवी के एक्टर और प्रोड्यूसर राइटर भी हैं, उनके साथ एक कहते हैं ना कि बहुत मंझे हुए कलाकार कह सकते हैं हम उनको, कि 13-14 ईयर्स हो गए उनको इस इंडस्ट्री में, तो उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हमारी बॉन्डिंग सेट पे बहुत अच्छी थी, क्योंकि उनमें कभी भी मुझे कोई एक प्रोड्यूसर देखने को नहीं मिला, कभी भी एक राइटर देखने को नहीं मिला। क्योंकि कई बार होता है ना कि आपके स्क्रिप्ट में कुछ और लिखा होता है, तो आपको जब आप डायलॉग डिलीवरी करते हो तो उसको थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, तो राइटर क्या करते हैं कि नहीं मैंने ये लिखा तो प्रॉपर इसको बोलो, तो वो फ्लो नहीं आता। तो इन्होंने कभी भी नहीं कहा, इन्होंने बोलते थे कि आप अपने वे में उसे करो, और कभी भी प्रोड्यूसर नहीं मिला, हम जो बोलते थे कि सर ये चाहिए या ये हो गया तो प्रोवाइड होता था। दिस मूवी इज़ रोमांटिक कॉमेडी, तो आपने कितनी कॉमेडी की है इस मूवी में? बहुत की है। तो बचपन से कॉमेडी का शौक है या इस मूवी की स्टोरी लाइन सुन के आपने कॉमेडी स्टार्ट की? नहीं, मुझे बचपन से शौक है। कहते हैं ना कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू मेक समवन लाफ, तो आपको कहीं कहीं लगा कि ऐसा कि लोगों को हंसाना आजकल के टाइम पे स्पेशली जहाँ लोग बहुत इगोइस्टिक हैं कितना टफ है? है, टफ तो है, बट हम कह सकते हैं हैबिचुअल है, बचपन से लोगों को हंसाते हैं। हाँ, ये हो सकता है। तो इस मूवी के बारे में कुछ शेयर कीजिए कि किस टाइप की ये मूवी है और लोगों को किस टाइप का मैसेज देगी? इसमें जैसे कोई NRI फॉरेन से आता है तो उस पर एक स्टैम्प होती है कि वो NRI है, तो जैसे कोई मैरिज ब्यूरो में पता चल गया कि वो NRI है, वो मैरिज करवाने के लिए इंडिया आया, तो वो एक लड़का होता है और उसके पीछे इतनी लड़कियां लगा देते हैं कि तुझे कनाडा जाना है, ये लड़का आया, तुझे कनाडा जाना है, ये लड़का आया। तो उनके पेरेंट्स और वो लड़कियां जब उसको देखती हैं, देखे बिना ही वो बोलते हैं कि मेरी शादी करवा दो जैसे मर्जी, उसके कनाडा का एक सपना देखा दिन कनाडा की वजह से। तो ये मूवी यही है कि अगर कोई फॉरेन से आता है
फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बैकग्राउंड, उसका एज, उसका सब कुछ मैटर करता है। जैसे आप एक इंडियन लड़की के साथ शादी करवाने के लिए उसका बहुत कुछ चेक करते हो कि कितना अर्न करता है, क्या करता है, बैकग्राउंड, वैसे उनका भी चेक करना चाहिए। इस मूवी के थ्रू हमें स्पेशली यही एक मैसेज देखने को मिलेगा, जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं कि हमारे डॉटर का रिश्ता हो रहा है कैनेडा में हो रहा है, तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और कहीं ना आके उनको बहुत प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। हाँ, यही है, इस चीज़ का मैसेज ये मूवी देगी। तो जो हमने सर से भी पूछा था कि जो यहाँ के यंगस्टर्स और स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा आजकल एक कहते हैं ना कि उनको एक धुन सवार हो चुके थे कि हमने स्टडी करनी है तो कनाडा में जाके करनी है, क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत ज़्यादा, इवन कि मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं ऐसी जो आल्स करके या शादी करके कनाडा में जाना चाहती हैं। तो मैं उनको यही कहूँगी कि ठीक है, आल्स करके जा रहे हो आप खुद के एक अपने को, या आप कह रहे हो कि अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने या कुछ भी करने, अपना एक इमेज बनाने जा रहे हो, बट ये शादी करके किसी और के ऊपर डिपेंड होके जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आपको ऑफर मिले आप जाना चाहेंगे फॉर योर स्टडीज़? नहीं, स्टडीज़ के लिए मैं इस पर नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स इन फ्यूचर कहते हैं ना एक मैरिज प्रपोजल आए तो होपफुली आप जा सकते हैं, वो पेरेंट्स को पता होगा। तो मैम, और हम चाहते हैं कि लास्ट में आप अपीलिंग मैसेज दीजिए कि ये मूवी आपकी रिलीज होने जा रही है तो सब लोग आए इस मूवी को देखें, क्योंकि जैसे आपने बताया कि बहुत अच्छा मैसेज लेकर आने वाली है। हाँ, 31 मई को इंडिया में और 14 जून को ओवरसीज में ये मूवी रिलीज हो रही है। तो आई रिक्वेस्टेड कि ये मूवी देखें आप, क्योंकि इसमें एक तो एक बहुत अच्छा मैसेज है, आपको होपफुली बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये कॉमेडी भी है और एक रोमांटिक भी है और इसमें कुछ नया देखने को मिलेगा, और कि हमारी ये फर्स्ट मूवी है, अगर आप हमें प्रमोट करोगे तो हमारा नेक्स्ट मूवी लेके बहुत जल्दी आएंगे। थैंक यू सो मच मैम अपना वैल्यूएबल टाइम हमें देने के लिए। तो आपने देखा, यह थी हमारे साथ आपकी अपकमिंग मूवी मी एंड मिस्टर कैनेडियन की एक्ट्रेस, लीडिंग एक्ट्रेस मिस आरुषि जैन, जिन्होंने हमसे शेयर किया कि कनाडा की जो लाइफ है और जो यहाँ की लाइफ है उसमें कितना डिफरेंस है, और जो यहाँ के पेरेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहते हैं कि उनकी बेटियों की मैरिज कनाडा में हो जाए, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया कि हमेशा लीगली सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उन्हें आगे फॉरवर्ड होना चाहिए इस चीज़ को लेकर। तो होपफुली आप सबको उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा होगा, हमने भी शेयर किए उनसे कुछ वंडरफुल मोमेंट्स, और उन्होंने अपील भी किया कि 31 मई को प्लीज़ इस मूवी को देखने आइए कि बिकॉज ये मूवी बहुत अच्छा मैसेज लेके आने वाली है सबके लिए। थैंक यू सो मच कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा पसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।